अगर आप लोग अपनी स्किन केयर गेम अच्छी करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपके फेस के ऊपर जब आप मेकअप लगाएं तो बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट आए, और अगर आपने मेकअप ना भी लगाया हुआ हो तब भी आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई स्पॉट ना हो, किसी किस्म का कोई एक्नी ना हो, कोई पिंपल ना हो, कोई बाल वगैरह भी ना हो, और मतलब ऐसे बिल्कुल क्लियर स्मूथ स्किन हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले, जिस तरह के आप लोगों को टाइटल से ही पता होगा कि आज हम लोग स्किन केयर के ऊपर बात करने लगे हैं। यार, स्किन केयर इतनी ज़रूरी है जस्ट टू बी विद कंसिस्टेंट वेदर, कि जितनी स्किन केयर, मैंने पता नहीं क्या बोला है, एनीवेज मैं ये बोलना चाहती थी कि जितना स्किन केयर ज़रूरी है, आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हो और फिर उसके साथ कंसिस्टेंसी शो करना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लें, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, आप अफोर्ड करें, आप वो चीज़ें बना लें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप डाइस बना लें, मतलब घर पर क्लिनजर्स बना लें। तो मैं आप लोगों के साथ एक पूरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ, और आप देखिएगा, अगर आप 30 डेज, एक महीना मतलब कंसिस्टेंट होके उसको फॉलोअप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फेस के ऊपर किसी किस्म के कोई स्पॉट्स नहीं रहेंगे, आपकी स्किन शाइन करना शुरू कर देगी और आपकी स्किन मतलब ऐसे ब्राइट एंड ग्लो हो जाएगी। लाइक मैं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, मैं कैमरे के सामने बैठी हुई हूँ विदाउट एनी फिल्टर्स, और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, मैंने लेंस वगैरह अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन आई एम गोना रिमूव ऑल ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, और आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि मेरे फेस के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्नी स्पॉट नहीं है, किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो खैर, विद ऑल दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तो आपको अपनी ज़ात से प्यार रहना, तो उसका प्यार आपने सबसे पहले इस तरह जाहिर करना है कि यू हैव टू टेक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लाजमन अ डे। भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, किसी भी बीमारी के लिए, तो सबसे पहले आपको कहेगा कि आप अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं अपनी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम लेके, तो वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि पानी ज़्यादा। अगर आपकी शादी भी होने वाली है ना, तो आपने अपनी वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखना। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है क्लिनजिंग का। अगर आप प्री ब्राइडल स्किन केयर भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको ये बताया जाता है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर रात को क्लिनजिंग करके। अब ये मेरे पास बहुत पहले का मैंने सीटाफिल लिया हुआ था। आई नो आजकल हम क्योंकि US प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई भी क्लिनजर पाकिस्तानी ब्रांड ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये पहले का लिया हुआ था, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यूज कर रही हूँ। अब आप घर पे भी बहुत अच्छा क्लिनजर अपने लिए बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध, इवन आधी प्याली कच्चे दूध के अंदर आपने आधा लीमू निचोड़ के 1-2 मिनट के लिए रख देना है, और वो आपका इतना बेहतरीन क्लिनजर रेडी हो जाएगा। बस फिर आपने रात को अपना मेकअप वगैरह उतारना है, जो भी आपने स्किन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, और उसको सर्कुलर मोशन में, जिस तरह मैं अपने यहाँ पे फेस पे मसाज कर रही हूँ अपवर्ड मोशन में, तो इस तरह आपने उसको अच्छी तरह मसाज कर लेना। अब ये भी नहीं है कि आपने 20-25 मिनट क्लिनजिंग करते रहना है, जस्ट 1-1.5 मिनट अच्छी तरह उसको मसाज करें एंड देन रिमूव। क्लिनजिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बल्कि ये रिकमेंड किया जाता है कि आप डबल क्लिनजिंग करें रोजाना। सबसे पहले एक तो अपनी पक्की रूटीन बना लेना कि आपने मुंह धोए बगैर कभी भी नहीं सोना, और अच्छी तरह क्लिनजिंग करने से ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, जो भी आपके पोर्स के अंदर कुछ भी ऐसी मैल वगैरह भरी हुई है, तो वो अच्छे से क्लिनज हो जाएगी। जब आप डेली बेसिस पर रोजाना अच्छे से क्लिनजिंग कर रहे होंगे, आपकी स्किन को प्रॉपर मसाज मिल रहा होगा सर्कुलर मोशन में बहुत लाइट हैंड से, एक तो ऑब्वियसली स्किन ग्लो करेगी क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और आप ये समझे कि 60-70% आपके एक्नी और पिंपल्स के सारे खदशात भी खत्म हो जाएंगे। बाकी 30-40% डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है, किसी के जेनेटिकली होता है, किसी के हार्मोन्स की वजह से भी होता है, समटाइम्स स्टमक इश्यूज की वजह से भी आपको एक्नी या पिंपल्स हो रहे होते हैं। एनीवेज, आई थिंक अब तक आपको अच्छी तरह क्लिनजिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी, उसका तरीका भी समझ में आ गया होगा। और एक और बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं करना कि बहुत ज्यादा रगड़ना शुरू कर देना है, बहुत लाइट हैंड से हल्का हल्का मसाज करना है, बी नाइस। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी किया हुआ था, तो वो भी अच्छी तरह रिमूव हो गया। आप कोई भी मेकअप रिमूविंग वाइप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल टिश्यू यूज किया और उसको रिमूव कर लिया। डबल क्लिनजिंग क्या होती है, ये कि आप 2 दफा क्लिंस कर लो, तो मैं 1 दफा इससे क्लिनजर से कर लिया, दूसरी दफा मैं फेस वॉश से अच्छी तरह मुंह धोऊंगी, तो वो इक्वल हो जाएगा। ये सारी गेम है कि यार रात को ऑब्वियसली हमारे इतने सारे काम होते हैं, तो हम थोड़े से थक जाते हैं, तो आपने बस इतना ख्याल करना है कि यार सोने से पहले 1-2 मिनट लगेगा, फटाफट क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद फेस वॉश से मुंह वॉश कर लेना है, एंड दैट्स इट। फेस टॉवल सेपरेट रखा करें, और टैप टैप मोशन में हम पूरा फेस ड्राई कर लेंगे। एक ये भी कि टॉवल को बहुत ज्यादा मुंह पर रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि मैं मुंह धोकर आई थी और मेरा टेंट उतर गया था, तो मैंने आते सार सबसे पहले अपना लिप्टन दोबारा लगाया, क्योंकि आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट। मुझे टेंट इतना पसंद है कि मैं रात को सोने से पहले भी चिक और लिप्टन लगा के सोती हूँ। चलिए जी, अब जहाँ पे इतनी मेहनत हमने मुंह धोने की कर ली है, तो थोड़ा सा उसको दोबारा मॉइस्चराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। लोग अपनी पसंद से कोई भी मॉइस्चराइजर या विटामिन सी क्रीम लगा सकते हैं, जो भी आपकी स्किन को सूट करती है। और अगर आप लोगों को यही वाला लेना हो, तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं AAH10। मैंने इंस्टाग्राम पेज मेंशन कर दिया, इससे ये होगा कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा।
जाएगा। खैर यार, मॉइस्चराइजर को आपने बहुत ज्यादा हल्का नहीं लेना, ये भी आपकी स्किन गेम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल है या ऑयली है, इसके लिए आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर एक्वा मेंशन हो। ये लें जी, हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप कोई भी अपनी पसंद का सीरम लगा सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। अच्छा, आप गर्मी और सर्दियों के लिए ना डिफरेंट सीरम्स होते हैं। और एक ये भी कि कुछ लोग मुंह धोने के बाद सबसे पहले सीरम लगाते हैं फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। मैं पहले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ फिर सीरम लगाती हूँ, नो बिग डील। लेकिन ये है कि बस आप दोनों चीजें लगा लें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप कौन सा सीरम यूज करें। आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने लिए घर पे एक अच्छा सा डीआईवाई सीरम भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है एक जेड रोलर। मैंने भी इसके बहुत सारे रिव्यूज देखे हुए थे तो मैंने भी सोचा कि यार आई शुड गिव इट अ ट्राई। ये बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि आपने जो भी अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर या सीरम्स वगैरह अप्लाई किए हैं तो वो अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट कर जाए। ये जेड रोलर है, और इसके साथ आपको एक और चीज मिलती होती है, दैट इज अ गोशा स्टोन। ये भी फेस लिफ्टिंग मसाज के लिए यूज होता है। मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हाइलाइट्स के अंदर भी मिल जाएगा दराज फाइंस में। मैं इसको यूज इस तरह करती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट साइड पे कर रही हूँ तो मैं 10 टाइम्स अपवर्ड मोशन में राइट साइड पे करूंगी, फिर 10 टाइम्स अपवर्ड मोशन में लेफ्ट साइड पे करूंगी। नीचे करने से आपकी जॉ लाइन अच्छी सी बन जाएगी और ऊपर करने से स्किन लिफ्टिंग में। सिमिलरली इसको मैं दोनों साइड्स पे 10-10 टाइम्स करूंगी, इससे ये होता है कि आपका एक मोशन बन जाता है। अच्छा, ये दो तरह के मटेरियल में अवेलेबल है। एक स्टोन में, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा उन्होंने ऐसे स्टोन की कॉपी वगैरह बनाई हुई है, दैट इज बेसिकली प्लास्टिक। लेकिन काम वो भी बड़ा अच्छा कर रहा है, मेरे पास वही है और वो बड़ा सस्ता आया था दराज से, ऐसे सिर्फ 300 रुपए का। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं सीरम्स पे। जो सर्दियों का मैं आपको डीआईवाई सीरम बता रही थी, मार्केट के अंदर से किसी भी शॉप से जाके 3 किस्म के ऑयल ले लेने हैं। नंबर 1 एलोवेरा ऑयल, नंबर 2 टी ट्री ऑयल, नंबर 3 ऑरेंज ऑयल। तीनों ऑयल आप किसी भी कंपनी के परचेज कर सकते हैं। इनके प्राइस मुझे इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि मैंने पिछले साल खरीदे थे और अब तो वाकई प्राइसेस चेंज हो गए होंगे। तीनों की इक्वल अमाउंट आपने एक सीरम बॉटल में डाल के रख लेनी है और आप वो पूरी सर्दियों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैं आगे चल के आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले रिमूविंग एक्सेस हेयर्स फ्रॉम योर स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तानी और एशियंस हैं तो हमारे फेशियल हेयर्स तो होते ही हैं, इनको उतारना भी उतना ही जरूरी है, वरना अगर आपकी स्किन पर बाल होते हैं ना तो बस मजा नहीं आता यार। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए टिंकल यूज किया और आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हेयर रिमूव भी हो गए हैं, और जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है ना वो भी पूरी रिमूव हो जाती है स्किन से। स्टेप आप अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग हफ्ते में 1 या 2 दफा रिपीट कर सकते हैं, वो जितनी आपकी ग्रोथ होती है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। तो खैर, ये अभी जो मैं आपको डीआईवाई सीरम का बता रही थी ना यार, ये इतना अच्छा है आपकी स्किन के लिए। एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूथ करता है, शाइन करता है, ग्लो देता है। दूसरा, इसके अंदर हमने ऑरेंज ऑयल डाला है जिसके अंदर एक्सेस में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन की ग्लो और शाइन के लिए बहुत जरूरी होता है, और मतलब वैसे स्किन हेल्थ इंप्रूव होती है यार। और तीसरा हमने इसके अंदर यूज किया है टी ट्री ऑयल जो आपको एक्ने और पिंपल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और इसके मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैं एक और सीरम लगाती होती हूँ लास्ट में, दैट इज नायसिनामाइड B3। ऑब्वियसली यार मल्टीपल सीरम्स लगाए तो मल्टीपल इफेक्ट्स तो वो आपकी स्किन को देगा ही। नायसिनामाइड का बेसिक काम ये होता है कि आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है, जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाती है। जब आपके पोर्स अच्छे से टाइट होंगे तो वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल, एक्ने, इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये हमारी प्रॉपर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुकी है। मैं भी आपको तकरीबन यही सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। एक दो सीरम आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दिन के लिए वो होती है स्किन। दिन में आपने सनब्लॉक लास्ट में अप्लाई करना, और क्योंकि आज मुस्तफा सो गया था तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैंने फिर अंडर आई सीरम्स भी लगाए, फिर मैंने लिप स्क्रब भी लगा लिया। वो भी आप घर में बना सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। लिप स्क्रब्स वगैरह बहुत ज्यादा डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड नहीं होते, आप हफ्ते में एक दफा कर लें। अगर आपके लिप्स ज्यादा ड्राई होते हैं तो आप चैपस्टिक लगा सकते हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा हल्के हैं ना तो आप अंडर आई सीरम वगैरह लगाएं, वरना तो वो भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट स्टेप है, दैट इज आर्गन ऑयल। पिछले बहुत सालों से आर्गन ऑयल अपनी लैशेस के ऊपर और अपनी आईब्रोज वगैरह पर लाजमन रात को लगाती हूँ। मतलब ऐसे होता है कि मुझे हफ्ते में 2 या 3 दफा तो लाजमन याद आ जाता है। लैशेस की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैंने एक दफा अपनी पलके जला ली थी और तब से मैं इसको यूज करी और ये बड़ा इफेक्टिव है यार, सच में मेरी बताया। अब मेरी लैशेस बहुत लंबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आईब्रोज भी आप लोगों के सामने ही है, दैट इज ऑल्सो वेरी थिक। और ये तो मैं मेकअप में भी यूज करती हूँ समटाइम्स, ऐसे शाइन देने के लिए ना आईज पे। और आजकल मैं 30 डेज हेयर केयर चैलेंज भी कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने रोज मेरी वाटर बना के रखा हुआ है। ये बॉटल भी मैंने दराज से मंगवाई थी, बहुत अच्छी ऑयल एप्लीकेशन में यार बहुत हेल्पफुल है। मुझे भी बाल लंबे करने का शौक हुआ है और मैं रोजमेरी का जो है ना रिव्यू आपको पूरे 30 दिन बाद, मतलब जब मैं देखूंगी ना कि वाकई यार मेरे बाल लंबे हो गए, तो फिर मैं आपको दूंगी। और ये बॉटल इतनी अच्छी है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जस्ट इन केस अगर आप लोगों का दिल करे बाय करने का। एंड हियर वी गो, हमारे तकरीबन सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी रोजाना स्टोरीज पे शेयर कर रहे होते हैं, अगर आप लोग भी करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा, आई विल रिपोस्ट इट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।